बेटा अभी इन लास्ट लेक्चर वी हैव सॉल्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज, कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी ऑन द बेसिस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज. अब बेटा रिवर्स चार्ज का केस होगा. विच केस? रिवर्स चार्ज. याद रखो रिवर्स चार्ज मतलब क्या. देखो एडवोकेट की सर्विसेज आ गई बराबर, एग्रीकल्चरिस्ट जो एग्रीकल्चरिस्ट है अगर वो सप्लाई कर रहा है, कोई अनरजिस्टर्ड डीलर है, तो ऐसे केस आ गए तो समझ जाने का रिवर्स चार्ज हो जाएगा. और रिवर्स चार्ज में टैक्स जमा करने की लायबिलिटी किसकी होती है? हु इज लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट? रिसिपिएंट, कस्टमर की होती है. याद रखना जो रिसिपिएंट होता है उसकी लायबिलिटी होती है. ठीक है, तो आ जाओ. इसलिए रिवर्स चार्ज का थियरी इन लास्ट लेक्चर काफी अच्छे से हमने समझा था. तो देखो अभी आ जाओ. फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, देन वी विल गोइंग टू सॉल्व इट स्टेप बाय स्टेप. सो फर्स्ट वन देखो, एम इज एन एग्रीकल्चरिस्ट. आ गया ना, एग्रीकल्चरिस्ट फार्मर है. सीधा सा सवाल, ये कौन सा केस हो गया? रिवर्स चार्ज हो जाएगा. बराबर है, कौन सा केस? रिवर्स चार्ज. सप्लायर अगर एग्रीकल्चरिस्ट है, फार्मर है, कल्टीवेटिंग कैश्यू नट्स, तो सवाल ही नहीं उठता. रिवर्स चार्ज मतलब यहां जीएसटी कौन जमा करेगा? गवर्नमेंट को, फार्मर नहीं, वो जिसको सप्लाई कर रहा है वो जमा करेगा. तो देखते हैं. सो मिस्टर एम इज एन एग्रीकल्चरिस्ट. बराबर है, कौन है बेटा वो? एग्रीकल्चरिस्ट है, राइट. कल्टीवेटिंग कैश्यू नट्स. व्हाट? कल्टीवेटिंग व्हाट बेटा? कैश्यू नट्स नॉट शेल्ड और पील्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. ठीक है, कहां कहां सप्लाई कर रहा बेटा? इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. ओके, मतलब विद इन स्टेट वाला पर्सन है. ठीक है, दीज गुड्स आर सोल्ड टू मिसेस आर इंडस्ट्री. ये गुड्स किसको सोल्ड किया है? मिसेस आर इंडस्ट्रीज, राइट, फॉर रुपीज 2 crore 50 lakhs, राइट है. These goods are sold to Mrs. R Industries for rupees 2 crore 50 lakhs. A registered person in the state of Maharashtra. Okay. ठीक है, तो ये within state ही हो गया ना. वो supply किधर कर रहा बेटा? Where is it supplying? Within state only. तो within state हो गया तो समझ जाने का, within state आया तो क्या लगता है? SGST, CGST और SGST. बराबर है, CGST एंड SGST, सवाल ही नहीं उठता. बराबर, क्लियर. सो एप्लीकेबल रेट ऑफ CGST इज 2.5%, SGST 2.5%. यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग. हु इज लायबल टू पे टैक्स, मतलब हु इज लायबल टू पे GST एंड नेट लायबिलिटी ऑफ GST. चलो बोलो, हु इज लायबल टू पे GST हियर? टेल मी द आंसर. यहां जीएसटी भरने के लिए कौन लायबल है? मिस्टर एम, वो फार्मर लायबल है कि मिसेस आर इंडस्ट्री लायबल है? हु इज लायबल? टेल मी, कौन भरेगा जीएसटी गवर्नमेंट को इधर? मिस्टर एम भरेगा एग्रीकल्चरिस्ट कि मिसेस आर इंडस्ट्रीज? शाबाश, वेल डन सचिन, परफेक्ट आंसर. और कुछ लोगों का गलत है बेटा. रिवर्स चार्ज का केस है ये. रिवर्स चार्ज के केस में कौन जीएसटी लायबल होगा भरने के लिए गवर्नमेंट को? रिसिपिएंट. रिसिपिएंट कौन है? मिसेस आर इंडस्ट्रीज. याद रखना ये कोई फॉरवर्ड चार्ज का केस नहीं है कि भाई जीएसटी भरने के लिए कौन लायबल होता है? सप्लायर. ये फॉरवर्ड चार्ज नहीं बेटा, दिस इज व्हाट रिवर्स चार्ज. रिवर्स चार्ज में हु इज लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट? रिसिपिएंट. और रिसिपिएंट कौन है यहाँ? किसको गुड्स बेचा है आपने? आर इंडस्ट्रीज को. तो आर इंडस्ट्री इज लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट. याद रखियो, दिमाग में फिक्स रखियो, समझा? याद रखने का इसको बेटा. गॉट इट? क्लियर है? यस, ओके. तो ये सब माइंड में फिक्स रखना. चलो, तो बराबर यही आपका क्वेश्चन था. एक बार फिर से मैं रिव्यू करवा देता हूँ ये क्वेश्चंस, एक बार देख लो फिर से. मिस्टर एम एग्रीकल्चरिस्ट है, फार्मर, कल्टीवेटिंग कैश्यू नट्स, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, नॉट शेल्ड और पील्ड एग्रीकल्चर गुड्स, नॉट शेल्ड और पील्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. ठीक है, दीज गुड्स आर सोल्ड टू क्या बेटा? दीज गुड्स आर सोल्ड टू होम? मिसेस आर इंडस्ट्रीज फॉर रुपीज 2 crore 50 lakhs.
और वो मैसेज आर इंडस्ट्री कौन है, रजिस्टर्ड पर्सन है, बराबर है। अब रजिस्टर्ड पर्सन तो भाई पे करेगा ही जीएसटी इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। एप्लीकेबल रेट ऑफ सीजीएसटी 2.5%, एसजीएसटी 2.5%। यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग, ठीक है। तो सबसे पहला क्या, हु इज लायबल टू पे जीएसटी, तो फर्स्ट सॉल्यूशन में ए, तो पहले ए का आंसर लिखो। अब आपको पता है सॉल्यूशन में देखो जीएसटी ऑन, अब ये कौन सा है, इंट्रा स्टेट है, पता है ना बेटा, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन मतलब विद इन स्टेट ही हो रहा है। तो जीएसटी ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, बराबर है, उसके ऊपर क्या लगता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। ये रिवर्स चार्ज का केस है, तो रिवर्स चार्ज के केसेस, रिवर्स चार्ज के बेसिस पे कौन भरेगा जीएसटी, रिसिपिएंट, क्या बेटा, रिसिपिएंट है कि नहीं, कौन भरेगा, रिसिपिएंट, करेक्ट है। तो चलो लिख लो इधर, जीएसटी ऑन इंट्रा, जीएसटी ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई, व्हाट बेटा, जीएसटी ऑन व्हाट बेटा, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, यहां क्या इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स है, बराबर है, मालूम पड़ा। सो जीएसटी ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स टू बी पेड बाय होम, टू बी पेड बाय होम, यस, टू बी पेड बाय द रिसिपिएंट, टू बी पेड बाय द, ये जीएसटी पे कौन करेगा, जो रिसिपिएंट है, क्या बेटा, पेड बाय द होम, पेड बाय द रिसिपिएंट, बराबर है, पेड बाय होम बेटा, रिसिपिएंट ऑन विच बेसिस, ऑन कौन सा बेसिस है, ये रिवर्स चार्ज हो गया ना बेटा, ये वर्ड दिखना जरूरी है, ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, बराबर है, कौन सा बेसिस है बेटा, रिवर्स चार्ज बेसिस, ये दिखना जरूरी है, रिवर्स चार्ज बेसिस, करेक्ट। दस दस बराबर है, इन द गिवन केस, क्या बेटा, इन द गिवन केस मिसेस आर इंडस्ट्रीज जो आर इंडस्ट्रीज है इज लायबल, is liable to pay GST, that is CGST plus SGST, that's it, clear है, मालूम पड़ गया, okay, उसमें कोई doubt, याद रखना ये, everyone have to remember it this, ठीक है, बराबर, ये first case। सेकेंडली क्या बोल रहा है, आपको नेट लाइबिलिटी निकालना है जीएसटी का, व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू कैलकुलेट नेट लाइबिलिटी ऑफ जीएसटी, आपको यहां नेट लाइबिलिटी निकालना है किसका बेटा, जीएसटी का नेट लाइबिलिटी, ओके, चले फिर नेट लाइबिलिटी निकाले जीएसटी का, लेट्स कैलकुलेट, चलो, तो ये रब कर रहा हूं मैं, ये हो गया सबका, डन डन एवरीवन, आ जाओ, तो चलो नेट लाइबिलिटी ऑफ जीएसटी निकालते हैं अभी। सो बी पार्ट, नेट लाइबिलिटी ऑफ जीएसटी, ठीक है। नेट लाइबिलिटी ऑफ जीएसटी बेटा, अब यहां जीएसटी भरेगा कौन, जीएसटी कौन भरने वाला है, आर इंडस्ट्रीज, बराबर है, वो रिसिपिएंट भरेगा, वो रजिस्टर्ड पर्सन, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है, तो रिवर्स चार्ज के बेसिस पे यही भरने वाला है, बराबर है। अब ये अगर जीएसटी भरेगा तो उसकी लाइबिलिटी कितनी होगी जीएसटी की, सेम फंडा, इसका सिर्फ जीएसटी का लाइबिलिटी अपने को बताना है। ये मैसेज आर कितना भरेगा, अभी देखो ये मैसेज आर कितना सप्लाई वैल्यू कितना देगा एम को, पूरा 2 करोड़ 50 लाख, ठीक है, बट ये जीएसटी थोड़ी देगा, जीएसटी का वैल्यू देगा क्या, नहीं, क्योंकि जीएसटी तो ये खुद ही भरेगा गवर्नमेंट को,
कस्टमर इधर जो रेसिपिएंट है, जो कस्टमर है वो जीएसटी खुद ही जमा करने वाला है, तो अपने को बताना है वो कितना जीएसटी जमा करेगा, नेट लाइबिलिटी ऑफ जीएसटी कितना होगा, बराबर है। तो नेट लाइबिलिटी ऑफ जीएसटी के लिए आ जाओ, पहला तो वो क्या भरेगा, सीजीएसटी, व्हाट सीजीएसटी, बराबर है, कितना परसेंट, एट द रेट ऑफ 2.5, एट द रेट ऑफ 2.5%। चलो तो कितना अमाउंट है, 2,50,00,000, ₹2,50,00,000 का 2.5% कितना होता है, निकालो, 2,50,00,000 का 2.5% कितना आएगा, 6,25,000, ओके ठीक है। फिर अब एसजीएसटी का कितना होगा, एसजीएसटी वो भी 2.5% होगा, बराबर है, इसका भी निकाल लो, ₹2,50,00,000 का 2.5%, भाई सीजीएसटी तो देगा ही प्लस एसजीएसटी भी तो देगा, बराबर है, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, व्हाट इट, क्लियर। तो चलो कितना हो गया, 2,50,00,000 का 2.5% इधर भी आ गया, 6,25,000 ये भी आ गया, व्हाट इट, क्लियर। तो चलो अब नेट लायबिलिटी ऑफ जीएसटी कितना देगा, ये कौन पे करेगा, विल गोइंग टू पे, मिसेस आर इंडस्ट्री, बराबर है। सो ये नेट टैक्स लायबिलिटी दिखा देना, नेट टैक्स लायबिलिटी किसका है, ये ऑफ व्हाट, मिसेस कौन सी इंडस्ट्री है, आर इंडस्ट्री, ठीक है, नेट टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिसेस आर इंडस्ट्रीज, चलो कितना आ जाएगा नेट टैक्स लायबिलिटी, 6,25,000 प्लस 6,25,000, 6,25,000 सीजीएसटी का लायबिलिटी हो गया और 6,25,000 एसजीएसटी का लायबिलिटी, सीजीएसटी एसजीएसटी, तो कितना हो गया बच्चा, यस बराबर, तो डाल दो, तो इतना भरना किसको है, ये भरना है रेसिपिएंट को, मिसेस आर इंडस्ट्री को, ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, कौन से बेसिस पे, रिवर्स चार्ज बेसिस, ठीक है बराबर। अब यही समझो अगर बिटवीन टू स्टेट होता तो सब कुछ वही रहता, खाली डायरेक्ट क्या आ जाता, आईजीएसटी आता, क्या आता बेटा, अगर ये समझो कि ये बिटवीन टू स्टेट में होता, मतलब एम ने, एग्रीकल्चरिस्ट ने सप्लाई किया है रेसिपिएंट को, लेकिन वो रेसिपिएंट बाहर होता, दूसरे स्टेट में होता, समझो वो रेसिपिएंट होता किधर का, अपना उत्तर प्रदेश का, ठीक है, तो अगर उत्तर प्रदेश का होता तो बिटवीन टू स्टेट हो गया, तो बेटा बिटवीन टू स्टेट आ गया तो क्या लगेगा, आईजीएसटी, तो वो टाइम पे डायरेक्टली क्या करते हम लोग, ये सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं, डायरेक्ट क्या करते, आईजीएसटी, उस टाइम पे क्या करते आप, डायरेक्टली क्या क्या लिखते इधर, आईजीएसटी, और कितना परसेंट आता आईजीएसटी एट द रेट ऑफ, बोलो बोलो, अगर वही रेट रहता 2.5 सीजीएसटी 2.5% एसजीएसटी, तो आईजीएसटी का रेट क्या होता इधर, आईजीएसटी कितना आता, कितना परसेंट, बोलो, सेम सप्लाई है, सेम गुड्स है, सेम कैटेगरी है, 5%, वेरी गुड, वेल डन ज्योति, वेरी गुड तृप्ति, वेरी गुड सचिन, अंजलि, वेरी गुड, तो एट द रेट ऑफ 5% आईजीएसटी में क्या होता है, कंबाइंड हो जाता है ना, एक साथ इंटीग्रेटेड हो गया ना, तो 2.5 मतलब 5% हो जाता, तो वही 2,50,00,000 का 5% करते तो डायरेक्टली आंसर कितना था, 12,50,000 आंसर आपका सेम आता, मतलब जीएसटी आपको उतना ही भरना पड़ता, 12,50,000 बिटवीन टू स्टेट होगा तो फिर भी बस टू स्टेट में आपको आईजीएसटी लग जाता, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंबाइंड, ठीक है। और अगर सेम स्टेट है, इंट्रा है, इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन है, तो ऐसा दिखाना है सीजीएसटी और एसजीएसटी,
इंटरस्टेट होता है, इंटरस्टेट होता तो आईजीएसटी लग जाता रे बाबा, समझा? क्लियर? पक्का? तो याद रखना माइंड में, सब लोग अपने माइंड में फिक्स रखने का, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपको, बराबर? ऐसे जीएसटी कैलकुलेट करने का है, कैलकुलेट करके कैलसी लेना, फटाफट कैलकुलेट करना, नेट जीएसटी टैक्स लाइबिलिटी निकाल लेना, लाइबिलिटी लाइबिलिटी दिखा के आंसर देखने का, बराबर है? मालूम पड़ा? चलो तो बेटा ये हो गया अपना सम। नेक्स्ट सम रब करूं मैं, रब कर रहा हूं मैं, ओके? सो नाउ द नेक्स्ट वन, मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर एंड लवली स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट सम यू कैन सी हियर। चल क्या दिया बेटा इसमें, सी इज अ फार्मर कल्टीवेटिंग बीडी रैपर लीव्स टेंडू इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना। कौन से स्टेट में है वो? तेलंगाना। दीज गुड्स आर सोल्ड टू जया इंडस्ट्रीज, अ रजिस्टर्ड पर्सन है, जया इंडस्ट्री रजिस्टर्ड पर्सन है, इन द स्टेट ऑफ केरला। क्या, कौन से स्टेट में? इन द स्टेट ऑफ केरला, फॉर रुपीज 2,12,500। जिसकी बात कर रहे थे वही आ गया इधर। एप्लीकेबल रेट ऑफ आईजीएसटी है आपका 5%। एप्लीकेबल रेट ऑफ आईजीएसटी कितना है? 5%। अब ये 5% आईजीएसटी है, अगर यही ट्रांजेक्शन समझो अगर तेलंगाना में ही होता विद इन स्टेट, तो क्या लगता? सीजीएसटी और एसजीएसटी, और रेट क्या हो जाता? 2.5, जैसा कि आपने लास्ट सम में देखा है, कि नहीं बेटा? ठीक है, तो अब मेरे प्यारे बच्चों, ये जो ट्रांजेक्शन आप देख रहे हो, ये कौन सा ट्रांजेक्शन है? सी इज अ फार्मर कल्टीवेटिंग बीडी रैपर टेंडू इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना, दीज गुड्स आर सोल्ड टू जया इंडस्ट्री, अ रजिस्टर्ड पर्सन इन द स्टेट ऑफ केरला। तो विच ट्रांजेक्शन इज दिस? यस, बिटवीन टू स्टेट, इट्स बिटवीन टू स्टेट। सो टू स्टेट आ गया तो क्या हो गया? इंटर INTER, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो गया। विद इन सेम स्टेट नहीं है, विद इन सेम स्टेट रहेगा तो इंट्रा, बराबर है? ये क्या है? बिटवीन टू स्टेट, तो बिटवीन टू स्टेट हुआ मतलब ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है। और इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन में राजा क्या लगता है? इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन में बेटा लगता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता है कि नहीं? बराबर। तो दैट इज व्हाट इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, बिकॉज द ट्रांजेक्शन इज व्हाट बिटवीन टू स्टेट्स, तेलंगाना एंड केरला। गॉट इट, तेलंगाना एंड केरला दो स्टेट के बीच में हुआ है, याद रखियो, भूलना नहीं, डोंट फॉरगेट इट, समझा? तो ये हो गया, फिर इधर क्या लगेगा आपका? आईजीएसटी लगेगा, याद रखना। इंटर स्टेट हुआ तो आईजीएसटी लग जाएगा, ये माइंड में सब लोग बिठा के रखो, बराबर है? मालूम पड़ा? और अच्छा, इधर हु इज लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट, बोलो, हु इज लायबल टू पे द जीएसटी? आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन, कम ऑन, यस, परफेक्ट, क्या बात है? हाँ, सी लायबल होगा पे करने के लिए कि जया इंडस्ट्री, कौन लायबल है? वेरी गुड सचिन, शाबाश, वेल डन अंजलि, वेरी गुड। दो गलत आंसर आया है, बाकी आंसर करेक्ट है। यस, जया इंडस्ट्री बेटा, सी क्यों लायबल होगा? रिवर्स चार्ज हो गया ना, ये एग्रीकल्चरिस्ट है ना बच्चा, ये सी फार्मर है, बराबर है? फार्मर सप्लाई कर रहा है किसको? रेसिपिएंट को, और वो रेसिपिएंट भी रजिस्टर्ड पर्सन है, तो ये रिवर्स चार्ज बेसिस हो गया, रिवर्स चार्ज। और रिवर्स चार्ज में जीएसटी गवर्नमेंट को कौन जमा करेगा? सप्लायर नहीं, रिसिपिएंट ही जमा करेगा, जया इंडस्ट्री। तो रिसिपिएंट क्या करेगा? रिसिपिएंट है ना, सप्लायर को जीएसटी का अमाउंट नहीं देगा, बस, बराबर है? अरे भाई, जब रिसिपिएंट को ही जमा करना है तो सप्लायर को जीएसटी का अमाउंट क्यों देगा? और सप्लायर का जीएसटी का अमाउंट मांगेगा उसे, भाई जीएसटी भी दे, मेरे को देना है गवर्नमेंट को, नहीं मांगेगा तो जया क्या बोलेगा? जया इंडस्ट्री, अबे जा, नहीं तो मारूंगा इधर ही,
मैं रिवर्स चार्ज बेसिस पे आ गया तो मैं जीएसटी जमा करूंगा ना, तो मैं तेरे को क्यों दू बिल के अमाउंट में जीएसटी, है कि नहीं? मैं जमा करेगा, तू टेंशन मत ले, मैं रजिस्टर्ड पर्सन है, आई एम गोइंग टू पे द जीएसटी, डोंट नीड टू वरी, बराबर है? मालूम पड़ा? हो गया? तो ऐसा बोलते नहीं है, टेंशन मत लेना, वो रिवर्स चार्ज है तो सवाल ही नहीं उठता, जाए इंडस्ट्री ही जमा करेगा, बराबर है? तो ये हो गया अपना फंडा, क्लियर, बराबर है, मालूम पड़ गया? तो चलो, तो यहाँ ये रिवर्स चार्ज बेसिस है, तो रिवर्स चार्ज बेसिस में जीएसटी जमा करने का लाइबिलिटी किसका होगा? जया इंडस्ट्री का। जया इंडस्ट्री इज द रिसिपिएंट एंड अ रजिस्टर्ड पर्सन, फार्मर को जीएसटी का लाइबिलिटी अराइज नहीं होगा, समझा? चलो, तो चलो, हु इज लाइबल टू पे आईजीएसटी, सबसे पहले वही सेंटेंस आप दिखा देना इधर, तो आ जाओ सॉल्व करते बेटा, सॉल्यूशन में ए, हु इज लाइबल, बोलो कौन है लाइबल? यस, अभी वही सही सेम लिखना जैसा पीछे लिखा था, अभी आईजीएसटी बराबर, आईजीएसटी लगेगा ऑन इंटरस्टेट, क्या बेटा? आईजीएसटी ऑन इंटरस्टेट व्हाट? सप्लाई ऑफ गुड्स, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, बराबर है? मालूम पड़ा? टू बी पेड बाय दी व्हाट? रिसिपिएंट, टू बी पेड बाय दी व्हाट बेटा? रिसिपिएंट ऑन व्हाट? विच बेसिस? रिवर्स चार्ज बेसिस, ठीक है, रिवर्स चार्ज बेसिस, करेक्ट? सो इन द गिवन केस हु विल गोइंग टू पे द जीएसटी? दस जया इंडस्ट्री, जया इंडस्ट्री इज लाइबल टू, लाइबल टू पे जीएसटी, जीएसटी मतलब इधर आईजीएसटी, टू द गवर्नमेंट, गॉट इट? क्लियर? चलो ये ए केस, फिर बी केस में क्या करना है आपने को? नेट लाइबिलिटी निकालना है जीएसटी का, ठीक है? तो चलो लेट्स डू द बी केस, केस नंबर बी, ठीक है? चलो केस नंबर बी में आ जाओ, नेट लाइबिलिटी ऑफ जीएसटी, इट्स वेरी सिंपल, नेट लाइबिलिटी ऑफ जीएसटी मतलब इधर क्या? आईजीएसटी, तो जीएसटी लिख देता हूं मैं इधर, नेट लाइबिलिटी ऑफ जीएसटी, और इट्स अ इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन है इसलिए लगेगा क्या? आईजीएसटी, बराबर? क्लियर? पक्का? मालूम पड़ गया? तो इसमें आईजीएसटी आएगा डायरेक्ट, आईजीएसटी कितना, क्या रेट? आईजीएसटी एट द रेट ऑफ, व्हाट इज द रेट? 5%, आईजीएसटी एट द रेट ऑफ 5%, ठीक है? चलो आईजीएसटी एट द रेट ऑफ 5%, तो अब आईजीएसटी एट द रेट ऑफ 5% है मतलब क्या? चलो कितना है वो देख लेते हैं हम लोग, बराबर है? उसके हिसाब से वैल्यू कितना इधर देख रहे हो, इंडस्ट्री रजिस्टर्ड पर्सन इन द स्टेट ऑफ केरला, रुपीस कितना है? 2,12,500 का वैल्यू है, सो 2,12,500 का 5%, कैलकुलेटेड, 2,12,500 का 5% कितना आ जाएगा? शाबाश, वेल डन सचिन, वेरी गुड ज्योति, वेल डन अंजलि, सो 10,625, सो यही है नेट लाइबिलिटी ऑफ जीएसटी, दैट इज 10,625, दैट्स इट, सो आईजीएसटी लाइबिलिटी इज व्हाट? 10,625, गॉट इट एवरीवन? क्लियर? मालूम पड़ गया कैसे कैलकुलेट करना है, बराबर? और यही अगर इंट्रा होता, इंट्रा स्टेट, तो
सवाल ही नहीं उठता, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता, बराबर है, सीजीएसटी और एसजीएसटी लग जाता, और नेट लायबिलिटी में क्या होता कि 5% को हाफ हाफ हो जाता, 2.5 2.5, बराबर है, 2.5% 2.5%, क्लियर, मालूम पड़ा, ओके, गॉट इट एवरीवन, बस ये चीज माइंड में रखना सब लोग। तो ये था अपना नॉर्मल कैलकुलेशंस, दैट हाउ टू कैलकुलेट द नेट लायबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज, क्लियर। ये आपको प्रैक्टिस दिया है सेम, अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन में मिसेस दिनेश इंडस्ट्रीज रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी है, मैन्युफैक्चरर कम सेलर ऑफ सिल्क यार्न इन कोयंबटूर, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 17 मिसेस दिनेश इंडस्ट्रीज सप्लाइड 2000 केजी ऑफ सिल्क यार्न एट द रेट ऑफ 250 पर केजी, तो उससे वैल्यू निकल जाएगा 2000 × 250 से वैल्यू, टू मिसेस अन्नपूर्णा प्राइवेट लिमिटेड लोकेटेड इन चेन्नई। पहले ये बताओ ये इंटर स्टेट है कि इंट्रास्टेट है, विच ट्रांजेक्शन इज दिस, इंटर स्टेट है कि इंट्रा है, बोलो, इंटर स्टेट है कि इंट्रा, देखो सप्लायर किधर है, कोयंबटूर में, और अन्नपूर्णा जो रिसिपियंट है, रिसिपियंट बराबर है, वो है चेन्नई में,